बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सहर। आज मैं आपके साथ मज़ेदार नहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बेहद यूनिक ज़बरदस्त सी रेसिपी है और आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं आज आपके साथ मटन की नहारी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप बोंग का गोश्त ले लीजिए, बड़े बड़े पीस लीजिएगा, ये देखें इतने बड़े, क्योंकि नहारी में बड़े पीस चलते हैं। और ये नल्लियाँ ले ली हैं मैंने, ठीक है, ये आप इधर रख के। चले जी, गोश्त हमने धो के वॉश करके अच्छी तरह रख लिया है। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है भगोने के अंदर। वैसे तो ये घी में बनती है, लेकिन आप ऑयल में भी बना सकते हैं, नो इशू। तीन मैंने मीडियम साइज के प्याज है, उन्हें मैं ब्राउन करने रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने ऑयल डाला था इसमें, देखिए मैं अब इसके अंदर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, ठीक है जी। ये देखिए, ये मेरी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है। मजेदार मटन की नहारी की रेसिपी, ये देखिए आप लोग, प्याज हो गई है हमारी। जब आप गोश्त लाएं, तो मैंने पहले भी बताया था, बड़े बड़े जो है ना बोंग के पीस निकलवाइएगा, देखें बड़े बड़े, ठीक है। और ये नल्ली, बोंग डालने के बाद, नलियां ऐड करने के बाद आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, ठीक है, भून लीजिए। और एक गिलास पानी डाले ऐड करने के बाद ढक दीजिए। ये देखिए, मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ऐड कर दिया है। अब जो इसके मैजिकल मसाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले इसको एक गिलास पानी के साथ थोड़ा गलने के लिए रख दीजिए। ये आपके सामने मैंने जो है एक पानी का गिलास डाल के ढक दिया था, तो 15-20 मिनट के लिए। तो अब मैं इसके अंदर जो आपके सामने प्याज जो तल के निकाली थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सौंफ और सौंठ, सौंठ ऐड कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च, सुर्ख लाल मिर्च, कश्मीरी, इससे जरा कलर अच्छा आता है। और सादा लाल मिर्च। तो ये इसको चला के अब मैं भुनने तक इसे अगेन रख रही हूँ। अब इसका जो दूसरा मसाला है वो तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप ये देखिए, मैं नहारी का जो स्पेशल मसाला आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गौर से देखें। जीरा, तेजपत्ता और ये बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियाने फूल, लौंग, सब्जी इलायची, साबुत धनिया, काली मिर्च, टाटरी, जायफल, जावित्री। और ये है इसकी जो है नहारी की जान, ये है पीपली, इजीली मिल जाती है, ये जरूर ऐड कीजिएगा, वरना नहारी वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए। इन तमाम ही मसालों को मैं तवे पे हल्का सा सौते कर रही हूँ। मैं अब ये मसाले हल्के से तवे के ऊपर जो है, बस मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कर दें आप, स्लो आंच के ऊपर मैं इसको भून लूंगी और फिर पीस लूंगी। ये देखिए, मैंने आपके सामने जो गरम मसाला था, जो भूना था, वो मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ठीक है, बारीक पीस के। अब मैं इसे थोड़ी, इतनी देर मेरी नहारी हो रही है, ये इसे मैं पानी के अंदर, पानी में डाल के और जो मैं रख रही हूँ इसे, ठीक है। अभी इसका काम ही मैं बताती हूँ आपको इसको किस मेथड पर ऐड करना है। और जो ये टाटरी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए टाटरी, देखें बहुत लाजवाब नहारी बनने वाली है आपकी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रहीम। ये देखिए जी जनाब, हमारा गोश्त मजेदार जो बोन का है, नवारी का गल चुका है, नली भी हो चुकी है सेट। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे आटा। आटा ऐड कर लीजिए। आटा ऐड करने के बाद ये मैजिकल मसाला जो मैंने आपको भून के तब उस पे फ्राई पैन में और जो है पानी डाल के जो रख दिया था, वो अब हम इस स्टेज पे यूज करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा ये पक जाए, ठीक है, ये हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब, अब हमारी जो नहारी है वो गल चुकी है। बोटियाँ मैंने बड़ी ली थी, याद रखिएगा, मटन की, ठीक है। ये देखें बिल्कुल हमारी जो ये देखें यूं ही गल हो गई, ठीक है। अब इस स्टेज के ऊपर हम ऐड करेंगे वो मैजिकल मसाला जो मैंने आपसे शेयर किया था तवे पे भून के, ये मैंने डाल दिया इस स्टेज पे, ठीक है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए, बस 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं मजेदार घर की रेसिपी की मजेदार रेसिपी नहारी। बहुत ही आपको मजा आने वाला है, जरूर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह लुक देखें आप, माशाल्लाह हमारी नहारी तैयार है। अब इसके ऊपर का जो ऑयल है वो आप निकाल लीजिए, ठीक है, निथार के ऊपर से। ये ऑयल निकाल लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये प्रोफेशनल जो होटल जो होते हैं जहाँ हम बड़े शौक से खाते हैं, वो लोग इस तरीके से हमें देते हैं, वही मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है जनाब। ये ऑयल निकालने के बाद साइड पे रख लें और हमारी नहारी है रेडी, ठीक है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी जबरदस्त नहारी, बिल्कुल प्रोफेशनल। नली भी डाली है मैंने इसके अंदर, मटर नहारी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने जो रोगन बचाया था, जो हम बाहर से खाते हैं, वो लोग इस तरीके से इसको ऐड करते हैं। ये देखिए आप, अदरक, ये देखिए रेडी है हमारी मटन नहारी। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।